अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हमारा बारबेक्यू का प्लान है। इस खूबसूरत रात में हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कोयले दहक जाएं, पर नहीं हो रहा है। हमने वैसलीन डाली है, हमने इसके साथ नेल पेंट डाला है, जो कैंपिंग साइट के हैक्स नेट पे थे हमने सब ट्राई किया, पर कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे और हम लोग ने जो हमारे कोल्स हैं उसको हमने चूल्हे पे जलाया है, और जब वो अच्छी तरह से दहक गए, उनको हमने अच्छी तरह से रेड किया है। तो काफ़ी टाइम लगा हमें ये करने में, और उसके बाद जब हमारे कोयले अच्छी तरह से रेड हुए, हमने उसको काफ़ी टाइम लगाया, और फिर वही कोयले जो रेड हो रहे थे वो हमने जाके अपने अंगीठी में डालने हैं। ये देखिए, अब हमने इसको अंगीठी के अंदर डाल दिया है, और फाइनली हमारे कोयले जो हैं उन्होंने फायर पकड़ लिए हैं और वो रेड हो गए, और अब हम इसके ऊपर अपना बारबेक्यू कंटिन्यू करेंगे। बारबेक्यू के साथ आमचूर की चटनी बहुत मज़े की लगती है, तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, आप नोट कर लें और इजीली घर में आप बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इजीली हमारी आमचूर की चटनी घर में बिल्कुल तैयार हो गई है, सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं और इजीली बन जाती है। हमारे सीख कबाब का मसाला है जो बीफ का है, और इसको हमने पैकेट मसाले में बनाया। पैकेट मसाले के इंग्रेडिएंट के साथ हमने इसमें 1/4 टीस्पून ऑफ सोडा ऐड किया है। मोहम्मद हारिस आपको बता रहे हैं कि सीखों पे कबाब कैसे लगाते हैं। ये देखिए, पहले हमने कोफ्ता बना लिया, अब ये कोफ्ता सीख पे चढ़ा दिया, और अब हमको देखिए कैसे क्या करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद खान। और ये देखिए, हमारी विंग्स और हमारे कबाब बिल्कुल तैयार हैं, और अब हम इनको अंगीठी पे रखने जा रहे हैं। क्या वो वैसी आग लग गई कोनों में? आग फुल गरम है यार। आज में एक बार मैं मांग लूं, ये गरम गरम खाएं। लाओ भाई एक एक प्लेट। कबाब की स्मेल वॉज डिवाइन, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे जूसी कबाब थे। बारबेक्यू वॉज फन, और फिर हमने कुछ फ्रूट खाया, और वी एंड अप द नाइट लाइक दिस। इट वॉज अ ग्रेट नाइट, वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया, इट वॉज अ वंडरफुल नाइट। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी वीडियोज़ देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।